समाचारों जो विगतवार तो अमदावाद शहर वेजलपुर विस्तार में मोड़ी रात्रे फायरिंग विथ मौत की चकचारी घटना बनवा पामी थी। घटना ने पगले तात्कालिक स्थल पर क्राइम ब्रांच तेमज वेजलपुर पोलिस स्टेशन नो स्टाफ दौड़ी आव्यो हतो। घटना स्थले ज फायरिंग में 36 वर्षीय युवक नु स्थल पर ज मौत निपजू हतु। तो घटना ने पगले पोलिसे तपास हाथ धरी छे त्यारे जाणवा मळ्यु छे के युवक पासे रहेली रिवॉल्वर थी ते मस्ती करतो हतो अने जेमा फायरिंग थता युवक नु स्थल पर ज मौत निपजवा पाम्यु छे। तो दिग्विजयसिंह उर्फे भोळा नामना युवक नु स्थल पर ज मौत थयु छे ज्यारे घटना ने पगले पोलिसे वधु तपास हाथ धरी छे। एक मिनट चालू रखो, बोलो। जलपुर पुलिस स्टेशन विस्तार में गत रात्रि को 2:45 बजे दिग्विजय सिंह राजपूत करके 36 वर्ष जिसकी उम्र थी, उन्होंने उनकी रिवॉल्वर से एक राउंड फायर करके वो इंजर्ड हुए थे और बाद में उनकी डेथ हुई। अभी तक की जानकारी जो मिली है उसमें ऐसा कुछ ध्यान में आया नहीं है, लेकिन वो पहले उन्होंने 2 बार ट्रिगर दबाया था तो फायर नहीं हुआ, फिर तीसरी बार जब ट्रिगर दबाया तो उसमें एक राउंड फायर हुआ और वो इंजर्ड हुए और उनकी डेथ हुई। ये जो दिग्विजय सिंह थे वो जमीन लेवेज का काम करते थे। जब बनाव बना तब उनके साथ उनका ड्राइवर था और एक उनकी एक फ्रेंड भी साथ में। અમદાવાદના વેજલપુર વિસ્તારમાં મોડી રાત્રે ફાયરિંગ વિથ મોતની ઘટના છે તે બનવા પામી હતી। સમગ્ર ઘટનાને પગલે પોલીસે તપાસ કરી ત્યારે જાણવા મળ્યું હતું પોલીસને કે યુવક છે તે મજાકમાં આ રિવોલ્વર સાથે મસ્તી કરતો હતો અને જેની અંદર ફાયરિંગ થતાં યુવકનું સ્થળ ઉપર જ મોત નિપજવા પામ્યું હતું। સમગ્ર ઘટનાને લઈને વેજલપુર પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। કેમેરામેન ગૌતમ દુલેરા સાથે રિપોર્ટર દીપક મકવાણા, અમદાવાદ। સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં આજે 51મો યુવક મહોત્સવનું આયોજન